Hey friends, welcome back to our channel Selfish Be Your Better Self. तो ZAT 2023 के लिए past year papers की तैयारी शुरू की है नहीं की है? अगर नहीं की है तो भाई start कर दीजिए 2022, 21, 20, 19 इतने से चार year के paper तो करने ही चाहिए आपको मेरे हिसाब से. एंड उससे भी अच्छा है कि अगर आप 2017 तक के अगर पेपर्स कर सकते हैं तो ZAT के प्रीवियस ईयर पेपर्स डेफिनेटली कीजिएगा. एंड आज की वीडियो जो है वो उसी के रिगार्डिंग है. तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में ZAT 2022 की DI की, फर्स्ट DI की. तो उसमें चार DI आए थे, तीन तीन क्वेश्चंस के चार DI, 12 क्वेश्चंस DI से थे. ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक करके एक एक DI सॉल्व करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले DI की बात करते हैं एंड इट इज़ रियली ईजी. देखें क्या है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दिस इज़ आर फर्स्ट DI. क्या कह रहा है इसमें, कुछ एक ग्राफ दिया हुआ है एंड पांच यूनिवर्सिटीज़ हैं. पांच यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, 2014 to 2021. एंड ये है, अगर मैं वाई एक्सिस पर बात करूँ, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन थाउजेंड्स. मेंशन कर रखा है पांच यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, MPU, JSU, LTU, PKU और TRU. ठीक है, 2014 से 2021 तक की है. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू टेल देम कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है. ठीक है, ऑब्वियसली ये मेंशन नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी वन है वो MPU है, यूनिवर्सिटी टू JSU है. हमें यही फाइंड आउट करना है कि यूनिवर्सिटी वन का नाम क्या है, टू का नाम क्या है, थ्री का नाम क्या है, फोर का नाम क्या है, राइट. तो उसके रिगार्डिंग उसने ये चार इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं. तो वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को मैप करना स्टार्ट करते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या होगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट W स्टेटमेंट है, W स्टेटमेंट कहती है द मैग्नीट्यूड. पहली बात तो ये समझो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है. बहुत से स्टूडेंट्स इस मैग्नीट्यूड को परसेंटेज से कंफ्यूज कर लेते हैं. परसेंटेज नहीं है, मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अ चेंज. उसने बोला है 2014 एंड 2021, 2014 से 2021 के बीच का जो चेंज है ना, नेट चेंज. देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ TRU एंड MPU नेट चेंज 2014 से 2021. तो बेसिकली जो वो वैल्यू आएगी चेंज करके, बस वो वैल्यू हमें देखनी है, मैग्नीट्यूड. इट इज़ नॉट परसेंटेज, प्लीज इसे कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्लोजेस्ट अमंग एनी टू यूनिवर्सिटीज़. ओके, अगर इन दोनों का क्लोजेस्ट है तो एक बार लिख लेते हैं कि किसका कितना कितना बन रहा है. ये जो हमारी ये जो बॉक्स वाली है, दिस इज अर यूनिवर्सिटी 5. लेट्स सी किसका मैग्नीट्यूड कितना है. 6.5 है एंड इन 2021 इट इज़ 3.2 के करीब है. ठीक है, तो इट इज़ इसका मैग्नीट्यूड 3.3 हो गया. लाइक 6.5 से 3.2 हो रहा है, तो 3.3 के करीब इसका मैग्नीट्यूड हो गया. दिस इज़ 4 एंड 4 से देखिए ये जा रहा है तकरीबन 4.2, तो दिस इज़ 0.2 हो गया. दिस इज़ 3.2 के करीब है एंड इट इज़ गोइंग टू बियॉन्ड 3.5, तो दिस इज़ तकरीबन 3.9. ठीक है, 4 से थोड़ा सा ही कम है, तो 3.9. 3.2 से 3.9 जा रहा है, तो 0.7 का है इसमें. 0.7 बेसिकली ये मैं 0.3 मतलब 0.3.3 0.2 0.7 ही ले रही हूँ, बट ये थाउजेंड्स में है. ठीक है, तो अगर आप इसको इन 2000 करेंगे तो 3300 हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने सिर्फ ऐसे चेंज लिखा है, 6.5 इन 2000 भी होगा इस वैल्यू में, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, ये यूनिवर्सिटी में है, दिस इज़ द चेंज. 1. कितना है ये, 8 के करीब है, 1.8 से. ओके, दिस इज़ ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है चेंज, मतलब ये तो देख के ही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चेंज है. ठीक है, दिस इज़ 6.2, तो 1.8 से 6.2, इफ आई से दिस इज 4.4, राइट. एंड दिस इज 0.5 से दिस इज गोइंग टू 0.4, तो 0.1. तो ये इसने बोला है W पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि TRU और MPU, इन पांच यूनिवर्सिटी में से दो यूनिवर्सिटी का नाम है TRU एंड MPU एंड इनका जो नेट चेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो इनमें से, इन पांच पैरामीटर्स में से नेट चेंज ऑलमोस्ट सेम किसका लग रहा है, देखो आपको तो दिखते ही समझ आ रहा है. 0.1 एंड 0.2 आर सो क्लोज, तो नेट चेंज बराबर इनका ही लग रहा है. तो इनमें से एक यूनिवर्सिटी हमारी TRU होगी, एक यूनिवर्सिटी हमारी MPU होगी. ओके, तो यहाँ पर मैं मतलब आप साइड में ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ के एक बार को नाम लिख देती हूँ, जिससे आप ऐसा भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, यूनिवर्सिटी 1, 2, 3, 4, 5, नहीं तो आप नॉर्मल ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में कुछ भी रफ डेटा लिख सकते हैं. ठीक है, बट मुझे टेबल प्रॉपर बनाना ज़्यादा बेटर लगता है, सो दैट मुझे पिक्चर क्लियर रहे. ठीक है, तो वट आई एम डूइंग इज TRU, MPU, LTU, PKU एंड JSU, ये पांच यूनिवर्सिटीज़ हैं. एंड अब हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मैप कर लेते हैं. ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ यूनिवर्सिटी 3, ये U3 है, मैं इधर लिख देती हूँ क्लैरिटी के लिए. ठीक है, एंड ये जो हमारा काजू कतली शेप में है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी 4 है, दिस इज़ U4.
तो TRU एंड NTU में से एक यूनिवर्सिटी 3 होगी, एक यूनिवर्सिटी 4 होगी। अगर ये 3 है तो ये 4 है, और वाइस वर्सा अगर ये 4 है तो ये 3 है। ये कंफर्म है कि 4 एंड 3 इन्हीं में से ही जाएगा, इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट में कहता है LTU हैड द सेम एनरोलमेंट इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एट लीस्ट ट्वाइस बिटवीन 2014 एंड 2021। LTU का जो सेम एनरोलमेंट है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कम से कम दो बार है, पूरे 2014 से 2021 के टेन्योर में LTU का दो बार सेम आएगा। सेम आने का मतलब क्या है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, सेम रहेगा एट लीस्ट ट्वाइस। तो देखते हैं, देखो ये जो फर्स्ट ग्राफ है जिसमें 3.3 का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो इसमें सब कुछ डिक्रीजिंग है, कुछ इंक्रीजिंग नहीं है, कुछ सेम नहीं है, सब सारा डिक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 0.2 वाला अगर मैं बात करूँ तो 0.2, ये मुझे पता है कि जो 0.2 वाली जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज यूनिवर्सिटी 4 राइट, ये TRU NTU में से होगी। एंड बट देन ऑल्सो यहाँ पर कहीं पर भी कंसिस्टेंट एक बराबर वाला नहीं है। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ, देखिए यूनिवर्सिटी थ्री में देखो यहाँ दो बार सेम है एंड यहाँ पर भी तीन बार सेम है। ठीक है, तो ये हो सकता था अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट ना पढ़ा होता, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट नहीं करती सीधा सेकंड पॉइंट पर आती तो मैं बोलती कि भाई हाँ ये दोनों भी बन रहे हैं, तो हो सकता है कि LTU यूनिवर्सिटी 4-3 भी हो सकती है। बट अब क्योंकि मैं फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मैप कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी 3 जो है वो TRU और MPU में से ही जाएगी, LTU के पास जा ही नहीं सकती। अगर TRU नहीं होगी तो MPU होगी, MPU नहीं होगी तो TRU होगी, फॉर श्योर ये तो कन्फर्म है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पहला कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हो, और अगर आपने सेकंड पॉइंट से मैप किया है तो आप फर्स्ट पॉइंट जब आप पढ़ो तो उसको जल्दी से नलीफाई कर सकें। ठीक है, तो लकीली फर्स्ट एंड सेकंड मेरा जल्दी ही मैप हो गया। एंड वैसे सच बताऊँ तो ये DI बहुत आसान है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, विदिन 5 मिनट्स आप इस पूरे DI को सॉल्व कर सकते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो हमारा यूनिवर्सिटी 3 एंड 4 तो मेरा लिस्ट से आउट हो चुका है। तो अभी 3 ग्राफ में से देख लेते हैं। इस वाले ग्राफ को देखिए जो 4.4 वाला है, 4.4 में देखो कंसिस्टेंटली इंक्रीज है, जैसे कि 3.3 में कंसिस्टेंटली डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज है, तो इसमें सेम नहीं है, तो पक्का से 0.7 वाला ये जो ट्राइंगल है यूनिवर्सिटी 1 यही होगा। और यहाँ पे देखो कि क्या दो बार आ रहा है, यस ये देखो एक बार यहाँ पर आ रहा है, ये दिस इज इंक्रीजिंग एंड दूसरा बार यहाँ पर आ रहा है, बाकी सब जगह इंक्रीजिंग है एंड एटलीस्ट टू ट्वाइस उसने बोला है, एटलीस्ट ट्वाइस में अब देखो दो बार, इसमें तो कम से कम दो बार तो आ ही रहा है। तो दिस इज अ यूनिवर्सिटी 1, तो LTU इज फॉर श्योर इज यूनिवर्सिटी 1। समझ आया ना हमने क्या किया है, अब बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस नंबर्स देख रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन उसने बोला है वो बताते जा रहे हैं। तो दिस इज यूनिवर्सिटी 1 कन्फर्म हो गया। नाउ PKU एंड JSU की बात है, तो ये तो पक्का से ये तो पता है ना यूनिवर्सिटी 2 एंड 5 में से ही कहानी बनेगी इन दोनों की। देख लेते हैं भाई, थर्ड इंस्ट्रक्शन कहता है द इंक्रीज इन JSU एनरोलमेंट फ्रॉम 2015 टू 2019। अब JSU जो है वो या तो 2 होगी या 5 होगी, ठीक है, इज अबाउट 50% ऑफ TRU's टोटल एनरोलमेंट इन 2020। ओके, TRU, अब TRU तो मुझे पता है कि TRU या तो यूनिवर्सिटी 3 है या यूनिवर्सिटी 4 है, टोटल एनरोलमेंट इन 2020। ओके, तो यूनिवर्सिटी 3 एंड यूनिवर्सिटी 4 का 2020 में टोटल एनरोलमेंट देख लेते हैं भाई। यूनिवर्सिटी 3 का 2020 में एनरोलमेंट है, दिस इज क्लोज टू 0.7, ठीक है, विच इज 700 एंड क्योंकि थाउजेंड्स में है ना, ठीक है। एंड हमारा यूनिवर्सिटी 4 है ये वाली, ये है हमारा 2020 में 5000, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5000। अब देखो उसने क्या बोला है, द इनक्रीज, ये इंक्रीज देखो, ये 3.3 वाले तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज है, तो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, तो कंफर्म है ना ये यूनिवर्सिटी 5 JSU हो ही नहीं सकता, बिकॉज JSU में तो इंक्रीज बोल रहा है 2015 से 2019 तक, और अगर मैं यूनिवर्सिटी 5 JSU कंसिडर करूँ तो इंक्रीज है ही नहीं, या तो सब जगह डिक्रीज है, तो फॉर श्योर दिस इज यूनिवर्सिटी 2 एंड ही दिस इज यूनिवर्सिटी 5। आई होप आपको समझ आया हो, मैं अभी आपको सम अप करके प्रॉपर बताऊंगी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी 5 हो गया, ये यूनिवर्सिटी 2 हो गया। अब यूनिवर्सिटी 2 है हमारी ये स्टार वाली, विच इज दिस 4.4। देखो अब मुझे ये कंफर्म करना है कि TRU कौन सी है, अब 50% कौन सा किसका बनता है, ये चीज़ समझने वाली बात है। 2015 में ये है, दिस इज 2.6, ठीक है, एंड 2019 में दिस इज गोइंग 5.2,
2.6 से 5.2 या 5.1 है, इनफैक्ट 5.1 ठीक है, वो 2 भी नहीं है, तो दिस इज 2.5, 2.6 से 5.1 जो चेंज हो रहा है, दिस इज जो इसमें इंक्रीज है वो 2.5 का इंक्रीज है, प्लस 2.5 हो रहा है इसमें, तो प्लस 2.5 किसका 50% होता है, 5 का ही 50% होगा 2.5, तो अगर ये 5 का 50% है तो 5 किस कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, 5 आ रहा है मेरा इस वाली यूनिवर्सिटी में जो है हमारी ये वाली यूनिवर्सिटी है मेरी यूनिवर्सिटी 4, तो यूनिवर्सिटी 4 जो है वो मेरी TRU है, एंड अगर TRU यूनिवर्सिटी 4 है तो ऑब्वियसली MPU यूनिवर्सिटी 3 हो गया, राइट। तो व्हाट वी डिड इज, दोबारा से मैं फटाफट से सम अप कर देती हूँ, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने बोला है कि TRU और MPU का जो नेट चेंज है, नेट चेंज बोला गया है 2014 से 2021 तक वो ऑलमोस्ट बराबर है, तो मैंने हर यूनिवर्सिटी का नेट चेंज देख लिया, तो मुझे पता लगा कि 0.2 एंड 0.1 आर वेरी क्लोज, बाकी के सारे क्लोज कहीं पर भी नहीं है आसपास। डू नॉट थिंक कि भाई ऑब्वियसली बात है 0.2 एंड 1 आर क्लोज एंड 2 एंड 7 तो कंपैरेटिवली दूर है, राइट। तो मुझे कंफर्म हो गया कि 4 एंड 3 आपस में होंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में कहा कि LTU में कंसेक्यूटिव दो कम से कम दो बार आना चाहिए। अब क्योंकि 4 एंड 3 मेरे लिस्ट से निकल चुके हैं तो मुझे 1, 2, 5 में से मैप करना था, तो 1, 2, 5 में से अगर मैं बात करूँ तो जो ये वाला है 5 वो कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग है, ठीक है, 2 की बात करूँ तो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग है, तो एक 1 ही बचा था जिसमें दो बार मेरा आ रहा था, तो 1 मेरा कन्फर्म LTU हो गया। फिर उसने थर्ड इंस्ट्रक्शन में बोला था इंक्रीज इन JSU एनरोलमेंट। अब JSU 2 या 5 में से बचेगा एंड इंक्रीज सिर्फ मेरा इधर 2 में हो रहा है, 5 में तो मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज हो नहीं रहा, तो कन्फर्म JSU 2 हो गया एंड PQU 5 हो गया। अब बस मुझे ये कन्फर्म करना था कि TRU और MPU में से 4 कौन सा है और 3 कौन सा है, ठीक है। अब क्योंकि उसने मुझे कन्फर्म हो गया है कि जो JSU वो यूनिवर्सिटी 2 है, तो मैंने 2015 से 2019 में इसका चेंज देखा कितना इंक्रीज हुआ है, इसने इंक्रीज किया है 2.5 का। अब दिस 2.5 इज 50% ऑफ TRU, अब अगर ये 50% हो तो 100% कितना होगा, 100% होगा 5, ठीक है, 5, लेकिन 5 किसका, 2020 में एनरोलमेंट। अब मैंने देख लिया कि यूनिवर्सिटी 4 में 2020 में एनरोलमेंट कितना है, यूनिवर्सिटी 3 में 2020 में एनरोलमेंट कितना है, 4 में 5000 है, विच इज 50% ऑफ JSU का वो जो चेंज उसने इंस्ट्रक्शन में मैप किया है, ठीक है। तो इसे कंफर्म हो गया कि TRU यूनिवर्सिटी 4 है, MPU यूनिवर्सिटी 3 है, तो मुझे लास्ट इंस्ट्रक्शन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इस इंस्ट्रक्शन की नीड ही नहीं पड़ी, बाकी के तीनों इंस्ट्रक्शन से मेरा काम हो गया आराम से। देयर इज वन क्वेश्चन ऑल्सो रिगार्डिंग दिस कि भाई कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी जरूरत ना पड़े, जिसके बिना भी आप मैप कर सकते हो पूरी, ठीक है। तो लकीली मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसने जिस ऑर्डर में दे रखी थी उसी ऑर्डर में मेरा सब कुछ मैप हो गया है, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फटाफट से इसके क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आई हो वीडियो पूरा जो मैंने आपको DI समझाया, नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज़ थोड़ा सा आराम पेस पर रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, एंड देन ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बट बिफोर दैट अगर अभी भी आपको जैड के पैटर्न से रिगार्डिंग या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलेबस वाइज, तो आई बटन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अब जैड की जो वीडियो है जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट आई हैव टू रिमूव माई सेल्फ, तो जस्ट लेट मी रिमूव। So the first question says, which of the 5 universities can University 4 possibly? University 4 कौन सी है? We are very sure कि TRU is our University 4. तो only, देखिए उसने options भी दे रखे हैं. Only TRU है कि TRU MPU है, either or भी इसे combinations बना रखे हैं. तो we are sure that this is option number 4. Only TRU is University 4. Right? Okay, moving on to the next question. Second question कहता है, which university's enrollment was around twice that of LTU in 2014? LTU in 2014, LTU हमारी university 1, university 1 में ये जो triangle वाली है, 2014 में कितना है university 1 का, this is close to 3.2, तो किस university का enrollment around twice है that of LTU in 2014 में 3.2 का डबल, 3.2 का डबल है 6.4, तो 2014 में 6.4 कौन सी है, ऑब्वियसली ये रहा 6.5, साफ साफ दिख रहा है अपने को, ठीक है, यूनिवर्सिटी 5, तो ये यूनिवर्सिटी 5 हमारी किसके पास गई थी, ये रही PKU, तो ओनली PKU, डू वी हैव ऑप्शंस, यस ओनली PKU, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन,
Which amongst the pieces of information mentioned below, if removed, will not prevent us from uniquely identifying the five universities? देखो भाई, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना. सीधी सिंपल भाषा में ये पूछ रहा है कि कौन सी अगर इन्फॉर्मेशन मैं हटा दूँ तो भी हमें यूनिकली इनकी आइडेंटिटी को डिटरमाइन करने से रोक नहीं सकता. मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन है हटाने पर भी मेरा पूरा डेटा बन जाएगा. मैं बता सकती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन किस नाम से जानी जा रही है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि W, X, Y तीनों इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. Z के बिना भी काम हो सकता है मेरा, तो माई आंसर वुड बी डी. ठीक है, तो मुझे अगर मैं Z इन्फॉर्मेशन, देखो उसने नाम दे रखे इन्फॉर्मेशन की W, X, Y, Z, तो Z इन्फॉर्मेशन को अगर हटा देंगे तो भी हैम्पर नहीं होगा, हमारा काम चल जाएगा. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट DI पजल, विच इज रियली वेरी ईजी. 5 मिनट में आप कर सकते हैं. मुझे तो थोड़ा आपको समझाना था, सम अप करना था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. ठीक है, वरना आप इजीली ग्राफ अगर आपको रीड करना आता है, बार बहुत आसान दे रखा है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जैट में जो DI वगैरह आता है वो पजल वगैरह के फॉर्म में नहीं आता, प्योर DI होता है. कुछ थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ इसके जैसे बहुत सिंपल होते हैं. तो 5-7 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं 3 questions. And it is worth fighting for, right? ठीक है, तो ऐसे questions को आपने छोड़ना नहीं है. आपको आपके पेपर में जहाँ पर भी ऐसे easy questions हो, तो अपने टाइमिंग को, अपने पेपर के पूरे टाइम स्लॉट को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आपको क्वांट को करने में एटलीस्ट कोई ईजी क्वेश्चन आप ना छोड़ें. ठीक है, वरना ऐसा होता है कि हम वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग करते करते सारा टाइम निकाल देते हैं, क्वांट में या DI में टाइम नहीं रह पाता है. तो थोड़ा सा उस हिसाब से मैनेज कीजिएगा. चलिए, इसी के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको ZAT 2022 की नेक्स्ट DI सॉल्व करवाऊंगी. एंड अगर आपको वीडियो समझ आई है, अच्छे लगे, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल. एंड प्लीज़ अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इन सब वीडियोज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें. नॉलेज जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड हमें भी सपोर्ट मिलेगा. ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड कीप एसिंग योरसेल्फ. चलिए, बाय बाय, टेक केयर.